एक बार फिर आप सबका स्वागत है जी इलेक्शन समिट में। सीधी कवरेज आप देख पा रहे हैं दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस से जी न्यूज पर। कुछ ही घंटे बाकी है और कल सुबह ब्लॉकबस्टर रिलीज होने वाली है। जी हाँ, वो ब्लॉकबस्टर जो इस देश में नई सरकार बनाने वाली है। शुक्रवार का दिन है पर कल सिनेमा घरों में नहीं, जी न्यूज पर बैठ के देखिएगा सबसे पहले सबसे तेज नतीजे। अब इस खास अगले एक घंटे में हम बात करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि उनका 56 इंच का सीना है, लेकिन क्या उनके जिगर में दोस्ती का दिल है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि एग्जिट पोल में भले ही बीजेपी को मेजॉरिटी दिख रही हो, नरेंद्र मोदी सबसे ताकतवर नेता के तौर पर उभर रहे हो, लेकिन एक और कड़वी सच्चाई है, राज्यसभा में बीजेपी के पास नंबर नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी को अगर कोई भी बिल पास कराना होगा तो बीजेपी को मदद लेनी होगी तमाम ऐसी पार्टियों की जिनके खिलाफ बीजेपी चुनाव लड़ी है। क्या करेंगे नरेंद्र मोदी ऐसे में, कहां से नंबर आएंगे और क्या इसीलिए एनसीपी की तरफ, जयललिता की तरफ, नवीन पटनायक की तरफ डोरे डाले जा रहे हैं? क्या स्थिति रहने वाली है नरेंद्र मोदी के लिए? क्या नरेंद्र मोदी के दिल में दोस्ती वाला जिगर भी है? ये जश्न, ये मिठाइयां, ये शो अब थमने वाले नहीं है। नतीजे आने में भले ही कुछ घंटों का फासला हो, लेकिन बीजेपी में जश्न का दौर कब का शुरू हो चुका है। मोदी की ताजपोशी के लिए दिल्ली में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या मोदी सरकार की राह इतनी आसान होगी? एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी बम बम है, लेकिन क्या केवल लोकसभा में पूर्ण बहुमत से ही सरकार चल पाएगी? राज्यसभा में क्या होगा? राज्यसभा में एनडीए के पास कुल 245 में से सिर्फ 64 सीटें हैं, जबकि किसी भी विधेयक को पास कराने के लिए कम से कम आधे सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। ऐसे में बिना दूसरे और सहयोगी दलों के 121 का आंकड़ा मोदी सरकार कैसे जुटाएगी? राज्यसभा में बीएसपी के 14, टीएमसी के 12 और एआईएडीएमके के 10 सदस्य हैं। तीनों को जोड़े तो आंकड़ा बैठता है 36। इन तीनों दलों से फिलहाल बीजेपी का 36 का आंकड़ा है, लेकिन राजनीति की देवियों से बीजेपी का रिश्ता खटास भरा ही रहा है। मायावती जहां बीजेपी से दूरी बनाए रखती हैं, वहीं जयललिता का 1998 वाला झटका पार्टी शायद ही कभी भूल पाए। और ममता बनर्जी का इतिहास तो ऐसा है कि केंद्र में जिसे भी समर्थन देती हैं, 5 साल पहले ही साथ छोड़ देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नरेंद्र मोदी के पास दोस्ती वाला दिल है क्या? नरेंद्र मोदी अगर दोस्ती करेंगे तो क्या कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे अपने मिशन से, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई छेड़ने की बात कर जीत के आए हैं। क्या संघ और बीजेपी करप्शन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है सरकार चलाने को लेकर? इसी मुद्दे पर बात होगी। नया पैनल मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, संघ के विचारक के तौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीबी भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, जेएनयू के वाइस चांसलर रह चुके, आपका भी स्वागत है। कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है कैप्टन। हमारे साथ नीलाम मिश्रा जी है, आउटलुक के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। अवनी रॉय हमारे साथ बने हुए हैं, लेफ्ट के नेता, आरएसपी के नेता, और दो मेहमान हमारे साथ ओबी पर जुड़ रहे हैं सीधे। हमारे साथ फरहान आजमी जुड़ रहे हैं मुंबई से और केसी त्यागी दिल्ली में। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है, फरहान आजमी और केसी त्यागी जी। आप दोनों महत्वपूर्ण पहलू हैं, फरहान आजमी खासकर इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी क्या करेगी ये बहुत कुछ निर्भर करता है नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में अपनी सरकार को सफलतापूर्वक चला पाने के लिए। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल कैप्टन अभिमन्यु आपसे, आपने कहा हमको गठबंधन करने के लिए हम तैयार हैं, जो गठबंधन करेगा मदद देगा हमको उसमें एतराज नहीं है। गडकरी जी का बयान आया, राजनाथ जी का बयान आया, तो क्या जो लोग दागी हैं या जिन पार्टियों पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं आप उनके साथ समझौता कर लेंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भारत के लोकतंत्र में कहें या पूरी राजनीतिक व्यवस्था में कहें, कभी भी राजनीतिक छुआछूत का पालन नहीं किया है, अपितु हम राजनीतिक छुआछूत के शिकार रहे हैं। और आज भी हमारा ये मानना है कि जो जनमत और जनादेश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आता है, हमारा नारा था सुशासन और विकास,
और सुशासन और विकास देश में देने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इस देश के 125 करोड़ लोगों के हित में अगर कोई दल हमारे साथ में आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक छुआछूत में विश्वास न रखते हुए एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के नाते हम अपने दरवाजे खुले रखते हैं। हाथ मिला लेंगे वो जनता जिन पर ढेरों चार्जेस चल रहे हैं आज भी, यानी आप बीजेडी के साथ हाथ मिला लेंगे, यानी आप टीएमसी की मदद ले लेंगे। ये सवाल तो पहले उनसे पूछिए क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में इन विषयों को लेकर के समन्वय या सहयोग करना चाहते हैं, उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव है? हमारी तरफ से ये दरवाजे बंद की व्यवस्था नहीं है। नरेंद्र मोदी को ऐसे लोगों से मदद लेनी चाहिए बीजेपी को जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं? जनता की राय आपके सामने। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, आप लोगों ने पूरा कैंपेन चलाया भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, आप देख रहे जनता की क्या राय है? क्या जिन लोगों पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, मायावती की भी पार्टी एक हो गई, क्या राज्यसभा में अपने बिल पास कराने के लिए आप इनके दरवाजे पर जाएंगे? देखिए, जब संसद का निर्माण होता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब जनता के ब्लैक मनी लाने के लिए यदि कोई बिल आता है और उसके लिए राज्यसभा में किसी का समर्थन लेना पड़े, जो जमाखोरी को समाप्त करने के लिए, देश में आर्थिक अनुशासन लाने के लिए, बढ़ती विषमता को कम करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए यदि किसी का सहयोग लेना पड़े तो सहयोग लेना चाहिए, लेकिन किसी भ्रष्टाचारी को बचाने के कॉस्ट पर सहयोग नहीं लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि एनडीए इस प्रकार का कोई काम नहीं करेगी जो इस पर एक दाग होगा। एक बात मैं बताना चाहता हूं, यह चुनाव एक मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट कई मामलों में विचारधारा, संगठन और नेतृत्व से असहमति होते हुए भी दिया है, और जनता ने पहली बार यह माना है कि देश की मांग आज दलीय राजनीति से बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ही इस अपेक्षा को पूरा कर सकती है। इसे जनता की अपेक्षा, इतनी बड़ी अपेक्षा कि जो भी दल इस अपेक्षा को तोड़ने की कोशिश करेगा, क्षेत्रीय दल, वो अगले चुनाव में साफ हो जाएगा और सभी दलों पर इसका दबाव है। ये ममता के व्यवहार से, जयललिता जी के व्यवहार से और बीजू जनता दल के व्यवहार से दिखाई पड़ रहा है कि जमीनी दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है, जो लोकतंत्र की खासियत, खूबसूरती के रूप में दिखाई पड़ रहा है। केसी त्यागी जी, जवाब देना चाहेंगे राकेश सिन्हा जी की बातों का, कैप्टन अभिमन्यु की बातों का, जेडीयू के नेता, आप तो खुद राज्यसभा के सांसद भी है। यूपीए के नेताओं से संसद चलाने के समय हमारा, भारतीय जनता पार्टी का, वामपंथी का, क्षेत्रीय पार्टी को यही शिकायत थी कि वो बहुत एरोगेंट हैं। और मुझको सिन्हा जी मेरे बड़े शुभचिंतक हैं, मैं भी इन्हें बहुत प्यार करता हूँ, स्नेह करता हूँ। इनकी और अभिमन्यु जी की भाषा समन्वय की भाषा नहीं है। यूपीए 1 को भी मैंडेट उतना नहीं मिला था, भारतीय जनता पार्टी को भी मैंडेट वैसा नहीं मिलेगा। अब बगैर समन्वय के, बगैर मध्य मार्ग के देश नहीं चल सकता है। एक तो आर्थिक नीतियां हैं, एक जो है सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने का है। अब ये जो इन्होंने भाषा बोलनी शुरू करी है कि दबाव है, किसी पर दबाव नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी जी गुजराती अस्मिता के प्रतीक हैं, ऐसे ही ममता को वहाँ की जनता के बड़े हिस्से ने वोट दिया है। नवीन पटनायक को उसकी जनता ने 3-3 बार चुना है। वो नरेंद्र मोदी जी से किसी तरह से भी कम अनुभवी, कम लोकप्रिय नहीं है। इसलिए ये जो आपकी पॉलिटिक्स है कि हम पे दबाव है, हम पे कोई दबाव नहीं है। हम भी अपने कुछ समूहों के लिए, कुछ वर्गों के लिए, अपने लोगों के लिए कमिटेड हैं। डीएमके, अन्ना डीएमके पे क्या दबाव है भी आपका? टीआरएस पे क्या दबाव है आपका? आप ये मत कहिए, आप कहिए कि राष्ट्र को चलाने के लिए हम यूपीए से भी संपर्क करेंगे, क्षेत्रीय दलों से भी करेंगे। हमारे घर के दरवाजे खुले हुए हैं। ये भाषा देश चलाने की नहीं, संगठन चलाने की नहीं, आम सहमति बनाएंगे। जवाहरलाल नेहरू के 12 माफीनामे इस संसद में मौजूद हैं। गलती होगी, क्षमा मांगेंगे देश से भी, देश की जनता से भी। ये अकेले एनडीए भी देश की इतनी बड़ी समस्याएं हैं हल करने में नाकामयाब रहेगा। हम सब मिलेंगे तो देश के अंदर की और बाहर की चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। राकेश सिन्हा जवाब देना चाहते हैं, त्यागी जी सुन लीजिए, राकेश सिन्हा जवाब देना चाहते हैं। सरकार चलेगी। त्यागी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं सिर्फ दो ही बात कहना चाहता हूँ। एक बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी और के नेता ने पहले ही कहा कि हमारा दरवाजा खुला हुआ है सहयोग, रचनात्मक सहयोग के लिए।
दूसरी बात मैं त्यागी जी को याद दिलाना चाहता हूं, मैं दबाव की जो बात किया, दबाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं, जनता का दबाव। जनता दल यू ने बिहार में जनता के उस दबाव को नहीं पहचाना, उसकी दुर्गति जनता दल यू की हो रही है, इसलिए जनता का जो मानसिक दबाव है उसे समझने की जरूरत है। और उस मानसिक दबाव को यदि आप नहीं समझते हैं कैप्टन, तो आपसे रचनात्मक सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कैप्टन, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैं बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक छुआछूत में विश्वास नहीं रखती, उसमें अपने आप में एक समन्वयवादी सोच आती है। ये संसदीय लोकतंत्र है और संसद जब चलती है तो उसमें सरकार और विपक्ष मिलकर के देश के नीति निर्धारण का काम करते हैं। जहां जहां हमको सहयोग की अपेक्षा रहेगी, समन्वय की अपेक्षा रहेगी, उसमें हमारी तरफ से समन्वय का अभाव नहीं हो। लेकिन जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम चले हैं, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा, देश के आर्थिक उन्नति से किसी प्रकार का कोई समझौता, देखिए हम पार्टियों पे करप्शन के चार्जेस लगे हैं, जिनके नेताओं पे लगे, मूल व्यवहार में समझौता नहीं करेंगे। आज इस बात की घोषणा कर दीजिए, मूल व्यवहार में एक अंतर आएगा, प्लेटफॉर्म पे घोषणा कर दीजिए, मूल व्यवहार में एक अंतर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो सरकार को बचाने के लिए हम सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आप लोगों ने जो लोग मंत्री बने थे, लालू यादव उनकी पार्टी के लोग, उनके खिलाफ कैंपेन चलाया था कि दागी लोगों के साथ कांग्रेस ने समझौता किया, करप्शन के चार्जेस है, और आज आप भूल चुके हैं। आज आपको सरकार चलानी है, तो आज समन्वयवादी, देखिए विचार से कोई समझौता नहीं, सिद्धांत से कोई समझौता नहीं, मुद्दे से कोई समझौता नहीं। हमने कहा सुशासन और विकास के लिए जो लोग हमारे सहयोग करना चाहते हैं, चाहे वो करप्ट, देश के 125 करोड़ चाहे वो क्रिमिनल, देखिए जो करप्ट है उसके ऊपर कानून अपना काम करेगा, देश का संविधान अपना काम करेगा, उनको जेल जाना चाहिए, वो जेल में जाएंगे, हम सुनिश्चित करेंगे। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो यहां तक कहा है कि सरकार बनने पर देश के तमाम सांसदों पर अगर कोई मुकदमे चल रहे हैं तो एक विशेष आयोग बना करके और वो मुकदमे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करके उनको फास्ट ट्रैक स्पीडी ट्रायल करके और तय करिए कौन भ्रष्टाचार है, कौन दोषी है, नरेंद्र मोदी के रास्ते में पूरे के पूरे राजनीति का सफाया आने वाली है, उसको साफ। लोकसभा में तो बहुमत उनको मिल गया है, लेकिन राज्यसभा में एनडीए जो वर्तमान स्थिति में है वो यूपीए से कम नंबर में है, और ऐसे में अगर कोई भी बिल पास कराना हो और संसद को चलाना हो तो जाहिर तौर पर बहुत सी पार्टियों के साथ बीजेपी को बात करनी होगी। क्या बीजेपी और बीजेपी के समर्थित संघ परिवार कॉम्प्रोमाइज करेगा अपनी विचारधारा से? एक छोटा सा ब्रेक, हमारी बहस जारी है और आगे हम इकोनॉमिक पॉलिसी पर भी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए जी न्यूज की इस खास कवरेज में सीधे कनॉट प्लेस से। एक बार फिर आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। सबसे बड़ा सवाल जो बार बार यहाँ देश की जनता पूछना चाहती है यहाँ के लोगों से, लेकिन मैं पॉलिटिशियन के पास ना जाकर एक इकोनॉमिस्ट के पास जाना चाहूँगा, खासतौर पर इस सेगमेंट की शुरुआत में। भट्टाचार्य साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे, गुजरात विकास के मॉडल की बहुत बात हो रही है, हमने देखा गुजरात का मॉडल भी, हमने देखा मनमोहन सिंह का मॉडल भी 10 साल तक, अभी तक के जो एग्जिट पोल है वो दिखा रहे हैं कि गुजरात के मॉडल को जनता ने पसंद किया, वो मॉडल जिसको देश की जनता शायद जानती नहीं है, केवल सुना है उसके बारे में। आप समझाइए कौन सा मॉडल अच्छा है और क्यों? देखिए गुजरात के मॉडल डेवलपमेंट जो इतना चर्चा हुआ उसमें गुजरात की कोई खास अलग से कोई नीति नहीं था, जो केंद्रीय सरकार की नीति था, जो विश्वायन की नीति था, उदारीकरण की नीति था, निजीकरण खास करके, उसको गुजरात सरकार ने ज़्यादा फेथफुली ऑनेस्टली इम्प्लीमेंटेशन किया, एफिशिएंट की। दूसरे राज्यों उसको इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा रुकावट उनको मिला है, कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं था या कभी सरकार कमज़ोर थी, तो इसलिए गुजरात की जो विकास हुआ है वो असली में भारत सरकार जो पिछले 20-25 सालों जो नीति है उसी का नतीजा है। अब सवाल ये है जो विकास मोदी ने गुजरात में कर पाया उसी रफ्तार से वो सारा भारत में कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए चाहिए उनको सारा भारत की ब्यूरोक्रेसी, भारत की सब जगह की सरकार राज्य सरकार की कोऑपरेशन। तो जितना उनको कोऑपरेशन मिलेगा उतने स्पीडली वो इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, जहाँ जहाँ रुकावट आएगा। मैं एक छोटी सी उदाहरण दूँ, आप बड़ी मतलब इंडस्ट्री का मान लीजिए ले लिया, मगर राज्य सरकार उसको जमीन देने के तैयार ना हो,
तब केंद्रीय सरकार कितना भी विदेशी उद्योगों या पूंजी को बुलाए उस राज्यों में विकास नहीं होगा। इसीलिए कोऑपरेशन सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगा और सही नीति का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि तालमेल बनाना एक बहुत ही जरूरी है। पिछले जो यूपीए सरकार की दूसरे जैसे महंगाई भत्ता था उसके मिनिस्ट्रियों में तालमेल नहीं था। एक मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय एक कहता है, प्लानिंग कमीशन दूसरा कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तीसरा कहते रहते, तो उसमें बिल्कुल कन्फ्यूज स्टेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी बन गया था। तो एक मजबूत सरकार हो, एक सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन पॉलिसी हो, सेंटर और राज्यों में तालमेल हो, तो आपको विकास ज्यादा होगा। अवनीता, कितना सहमत हैं भट्टाचार्य साहब की बात से और क्या नरेंद्र मोदी इस पर खरे उतर पाएंगे? देखिए, भट्टाचार्य जी एक इकोनॉमिस्ट, एक अर्थनीति, उन्होंने जिस ढंग से बात की, मेरा कहना है कि गुजरात मॉडल की जो बात कर रहे हैं, मॉडल गुजरात मॉडल हो रहा है, लेकिन मॉडल क्या है वो अभी सब जनता के सामने है नहीं। दूसरी बात है कि विकास के जहां तक है, हमारे विकास के मतलब जो है कि पूरी देश की विकास और जनता सामाजिक जो समाज के अंदर है उसके भी विकास हो। विकास के मतलब ये खाली सड़कें और स्किल नहीं है, क्या वहाँ की जनता बिल्कुल खुश है, क्या वो खुशहाल है, क्या उनकी नौकरी की तलाश नहीं है, क्या उनकी सामाजिक अर्थनीतिक अवस्था परिवर्तन हुई है, ये सारे चीज़ को देखने के लिए मॉडल के जो है मॉडल के रूप से लाने के लिए एक है। और एक छोटी जगह पर कुछ करना और इतनी बड़ी देश में कुछ करना इतना आसान नहीं है। बल्कि नीलाब जी आप क्या कहेंगे, क्या नरेंद्र मोदी देश भर में सफल हो सकते हैं? गुजरात छोटी जगह थी, इतने सफल हो गए? देखिए, मुझे मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी को अगर देश चलाना है और देश का विकास करना है तो गुजरात मॉडल से अलग भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दूसरे राज्यों में, आप देखेंगे तमाम सूचकांकों में, न सिर्फ सामाजिक सूचकांकों में बल्कि आर्थिक सूचकांकों में, पर कैपिटा इनकम जैसे ले लीजिए या औद्योगिक विकास दर मैन्युफैक्चरिंग का ले लीजिए, तो गुजरात कहीं पूरे भारत की लिस्ट में मध्य में है जी। उसके ऊपर तमिलनाडु है, उसके ऊपर महाराष्ट्र है, उसके ऊपर और राज्य हैं, तो मध्य में है, नवें स्थान पे है। तो दूसरे राज्यों के भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और मेरे ख्याल से भारत का कोई प्रधानमंत्री अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक ही राज्य का मॉडल पूरे देश पे थोपे। इसलिए मैं मॉडल में न जाके बेस्ट प्रैक्टिसेस जो पूरे देश में हैं उनको वो अपनाएं तो बेहतर है। आप क्या कहेंगे कैप्टन अभिमन्यु? मोदी जी ने स्वयं अपने चुनाव के प्रचार में कहा है कि भारत के इतने बड़े विशाल देश का और इतनी विविधताओं से भरे हुए देश का एक मॉडल से विकास नहीं किया जा सकता है। यद देशस्य योजन्तु तद देशस्य योषधये, किसी भी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान उस क्षेत्र के अंदर जो वहां की जो समाधान है वहीं से निकल करके आएगा। और गुजरात मॉडल जो है उसमें भी एक विशेष बात यह है कि गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों के समाधान वहीं की समस्याओं के अनुरूप वहां पर तैयार किए गए। लेकिन गुजरात मॉडल के जो सफलता के पीछे जो मुख्य बिंदु जो प्रोफेसर भट्टाचार्य जी ने भी संकेत किया, चाहे वो स्कीम केंद्र सरकार की है चाहे राज्य सरकार की है, एक पॉलिटिकल विल के साथ में उसका एक अच्छा इंप्लीमेंटेशन करके दिखाया। और गुजरात एक ऐसा राज्य है भारत में, आज हम उसकी अमेरिका से तो तुलना कर नहीं सकते लेकिन देश के अन्य राज्यों से तुलना कर सकते हैं कि कोयले की एक खान नहीं है, वहां पर एक नदी नहीं है और फिर भी 24 घंटे 365 दिन वहां पर बिजली आती है। केसी त्यागी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। त्यागी जी, गुजरात में बहुत से संसाधन नहीं है तब भी गुजरात डेवलप्ड स्टेट है, कैप्टन अभिमन्यु का तर्क? ऐसा है कि रघुराम राजन कमेटी की जो रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन ने तैयार की थी उसमें पूरे विकसित राज्यों की श्रेणी में भी गुजरात नहीं आता। जिस गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, आज भी जो विकास दर है वो बिहार की 10 से ऊपर है और गुजरात की 10 से नीचे। आपकी जानकारी के लिए कैप्टन अभिमन्यु जी, जो बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आपने वहाँ पे बनाया है उसको लेकर के भी कई तरह के विवाद हैं। जो क्रोनिक कैपिटलिज्म का वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से जमीन दी गई है, आंकड़ों से पेट नहीं भरता है, आंकड़ों से बिजनेस फ्रेंडली हुआ है। भाई आप यहाँ लड़ने के लिए आए हैं कि बात कहने सुनने के लिए आए हैं? जब आप बोल रहे थे मैं बोला था क्या? इतना धीरज भी नहीं है तो ऐसे ही देश चलाएंगे आप इसी अधीरता के साथ? एनडीए का जब शासन काल था, राकेश मैं जनता के पास चलता हूँ, जनता के बहुत सवाल है। वाजपेयी जी की जो कैप्टन साहब त्यागी जी सवाल जनता के सवाल ले लेते हैं कुछ। त्यागी सर से मेरा सवाल है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ,
पिछले 5 साल में जब एनडीए की गठबंधन में बिहार में सरकार थी तो बिहार में बहुत विकास हुआ, रोड बनी, बिजली में सुधार हुआ, लेकिन जब से ये भाजपा से अलग हुए हैं उस समय से ये वोट बैंक की राजनीति में लग गए हैं, कोई भी विकास नहीं हुआ है बिहार में। जवाब दीजिए त्यागी जी। पिछले 6 महीने में ही विकास की धारा रुक गई। हमने 85,000 लोगों को स्पेशल कोर्ट बना करके जेल में भेजा, सड़कों का जाल बिछाया, तो ये 6 महीने में सब खत्म हो गया। हमने वहाँ पर जो है कृषि के क्षेत्र में ऐसा किया कि बिहार का 2 किसान दुनिया में सबसे ज़्यादा पर क्विंटल चावल पैदा करते हैं, पर क्विंटल गेहूं पैदा करते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये बिहार का नहीं हिंदुस्तान का नहीं, तो वो सब चीज़ें बंद हो गई। ऐसा है, वो एक वैचारिक मामला है और एक माइंड सेट के साथ आप बैठते हो कि जब से बीजेपी से अलग हुए हैं बिहार जो नरक में चला गया, जब तक बीजेपी साथ थी तब सब कुछ ठीक था। ये ठीक है कि बीजेपी भी हमारे जी, कुछ और सवाल ले लेते हैं। मेरा क्वेश्चन कैप्टन अभिमन्यु जी से है, अगर आपकी सरकार पूर्ण बहुमत में आती है तो आपके विचार धारा 370 के प्रति क्या रहेंगे, आप अपना रुख स्पष्ट करें। 370 क्रूशियल कंट्रोवर्शियल, हमने नहीं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मुद्दों को लेकर के हमेशा से संकल्पित रही है और आप पूर्ण बहुमत दे करके दिखाइए, फिर देखिए हम किस प्रकार से लागू करते हैं अपने। तो जो देना था दे दिया, अब तो कल खुलेगी पेटी, कल सुबह का इंतजार करेगा। एक ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे, क्या होगा आप जी न्यूज पर सबसे पहले कल सुबह 6 बजे लगातार कवरेज देखिएगा। एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। नए मेहमान जुड़े, हालांकि थोड़ा लेट जुड़े हैं, फिल्म स्टार अक्सर लेट ही आते हैं। मनोज तिवारी की बात कर, मनोज भैया स्वागत है जी। थैंक यू वेरी मच, सॉरी मैं नॉर्थ ईस्ट से आया ना, थोड़ा लेट हो गया, वहाँ ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम है। आप नॉर्थ ईस्ट में, हम आपको भेजने की तैयारी दिल्ली की जनता कर रही है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन कुछ सवाल है पहले जी। मेरा सवाल राकेश सर और नीलाभ सर से है। सर, इस इलेक्शन को आजादी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन माना जा रहा है, क्योंकि इस बार भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बना और समायोजन की पॉलिटिक्स आई। क्या हम लोगों को ये स्वीकार नहीं करना चाहिए कि पॉलिटिक्स में ये जो सकारात्मक परिवर्तन हुआ है इसका सबसे बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल फैक्टर है? राकेश सिन्हा जी, देखिए इस देश में भ्रष्टाचार, महंगाई या बेरोजगारी से जंग पिछले 60 साल से जनता लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी इस जंग में आगे थी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, कांग्रेस ने सीबीआई का उपयोग करके भ्रष्टाचारियों के बदौलत सरकार चला रही थी। प्रधानमंत्री कार्यालय 10 सालों से साइलेंट मोड में चल रहा था, उसी को आज नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से गुजरात मॉडल दिया, जो गुजरात मॉडल की बात हो रही थी वो कोई खाका नहीं है, वो एक स्प्रिट है कि देश को डेवलप करने के लिए भ्रष्टाचार से मुक्त एक प्रशासन चाहिए। और गुजरात, राकेश जी, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में भी भ्रष्ट लोग काम कर रहे हैं आज भी, भ्रष्ट लोग नहीं थे, उन पर अभी भी इल्जाम है। देखिए राजनीतिक रूप से इल्जाम होना और साबित होना अलग बात है। जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचार परिवार से आती है उस विचार परिवार का एक उद्देश्य है कि मूल्य अधिष्ठित राजनीति हो, राजनीति में न्यूनताएं हैं, ठीक है, मैं उन न्यूनताओं पर हमें कब्जा करना है, इसमें जनता की लोक शक्ति को मजबूत होना होगा। एक और सवाल, एक छोटी सी बच्ची, मेरा क्वेश्चन अभी मनु सर से है कि अगर आप मेजोरिटी में आते हैं तो व्हाट पॉलिसीज विल यू अडॉप्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट? गर्ल चाइल्ड के लिए क्या पॉलिसी होगी आपकी, कैप्टन अभिमन्यु? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत संकल्प लिए हैं और जहां तक देश के अंदर जो भ्रूण हत्या हो रही है उसको हम एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध मानते हैं और उसको लेकर के एक बड़ा अवेयरनेस कैंपेन पूरे देश में चलना चाहिए। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना भरोसा और विश्वास कि प्रत्येक पैरामीटर्स पर, चाहे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं चाहे सोशल पैरामीटर्स हैं, उसमें हम मिशनरी जील के साथ, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उनके साथ काम करेंगे। क्योंकि बीजेपी के 2 नेता एक साथ बैठे हैं, मनोज तिवारी जी, मैं आपको नेता बोल ही नहीं पाता हूं, मेरे मुझे अभिनेता ही निकलता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बीजेपी के तो उम्मीदवार हैं, सवालों के जवाब कैप्टन अभिमन्यु दे ही रहे हैं, आप जिस कला में महारती है उसका कुछ मुजाहिरा हो जाए। जनता बहुत मांग कर रही है कि मनोज तिवारी जी आए हैं और मनोज तिवारी भैया गाना नहीं गाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं रास्ते में सोचते आ रहा था कि आप हमसे पूछेंगे कुछ ऐसे ही, तो आजकल मैं गीत गुनगुनाते रहता हूँ,
क्योंकि पूरे देश को अपेक्षा है कि अब क्या होगा 16 मई के बाद के भारत में अपेक्षाएं क्या है। तो मैं गीत बना लेता हूं कि रोटी सोटी दे दो, सड़क बनवा दो, पानी बिना सूखे तन प्यास बुझा दो। अरे रोटी सोटी दे दो जी, रोटी सोटी दे दो, सड़क बनवा दो, बिजली का थोड़ा प्रबंध करवा दो। अरे मरता किसान है, कटता जवान है, तुम चुप रहते हो देश परेशान है। रोटी सेटी दे दो, सड़क बनवा दो। अरे कहाँ रखे सारा पैसा वो घोटालों का, किसी को नहीं तो मुझे ही एड्रेस तो बता दो, रोटी सेटी दे दो। आपका वो बनारसी एक गाना बड़ा मशहूर है, यहाँ से बार बार कहा जाता है, बनारस वाला गाना गा दीजिए। ओ जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू हजार साला, जिया हो यूपी के लाला, जिया 10,000 साला, अरे जिया हो भारत के नौनिहाल, तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहला दाए भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहला दाए भैया, आके जल्दी मोदी ई अंधकार मिटा दाए भैया। अरे तनी सांस फुला के फूकत धूल उड़ावा ये भैया हो, और जो मेरी दीदी ने कहा है प्रश्न पूरा दाए भैया, वो जो मेरी बहन ने कहा उसको भी मैं गाने। जी एक गाना और हो जाए, हमें लोगों को मजा आ रहा है। आपकी आपका बैक टू बैक, मैंने ये मंच आपका है, माइक आपका तो है। एक ही गाना आजकल गा रहा हूँ कि जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई, प्यार में हद से गुजर जाना है, और मोदी के संग में कुछ कर जाना है। इसी नोट पर इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करना चाहूंगा। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, माफी चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मनोज तिवारी आ गए थे तो गाने ज्यादा अच्छे लग रहे थे, सवाल कम हो पाए। लेकिन राकेश सिन्हा जी, भट्टाचार्य साहब, अभिमन्यू जी, मनोज तिवारी जी, नीलाभ सर, अपनी राय दादा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो खास मेहमान हमारे साथ ओबी पे जुड़े थे, केसी त्यागी जी, फरहान आजमी जी, आपका भी शुक्रिया, और दिल्ली की जनता आपका भी शुक्रिया। लेकिन 10 बजे हम यहाँ पर दोबारा मिलेंगे, हमारा कार्यक्रम एक घंटे का और है, 10 से 11, उसके बाद आप ये कवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी, और कल सुबह 6 बजे से सबसे बड़ी कवरेज आप देख पाएगा जी न्यूज पर, सबसे बढ़िया, सबसे सटीक और सबसे सीधी कवरेज। शुक्रिया शुक्रिया।